हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। मैं उठ गई थी 8 बजे। और कर्मी बजा रहा है ढोल। हैं, हाँ, शनिवार को मैंने नहीं धोए थे कपड़े। ना बुधवार को धोए थे ना कपड़े, तो मैंने शनिवार को ही लगा लेंगी मशीन। कल ही तो जाएंगे हम पार्टी में। गन्नू येरा, नानी येरी ऊपर जा रहे हैं ये दोनों छत पर। गन्नू पापा पापा कर रहा है, इसे नानी गन्नू को लेके। और मैं अपना फेवरेट शो मेरा बिग बॉस देख रही हूँ। और मेरी फेवरेट बिग बॉस में जो है वो है अर्चना गौतम। आज हम जो बहुत सारा काम, और काम तो घर का तो डेली का है, पर बाहर का जो है काम वो बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारा काम करना है आज मुझे। मुझे पहले जाना है मार्केट, मतलब सूट लेने के लिए। सूट लेने के बाद मुझे जाना है एक जगह मार्केट। मार्केट में मुझे बिंदी लेके आनी है। लिपस्टिक ख़त्म हो गई है, वो कली ख़त्म हुई है, वो लिपस्टिक लेकर आनी है। और बिंदी सूट के मैचिंग की लेकर आऊँगी मैं। और पार्लर जा रहा है, थ्रेडिंग बनवानी है। और आज हम करेंगे फेशियल वगैरह जो भी करना है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फेस साफ है। बस यहाँ और यहाँ मेरे पिंपल्स हो गए बस। यहाँ तो पूरा फेस मेरा क्लीन है, ज़रूरत नहीं है। देखूँगी करूँगी नहीं करूँगी मैं। और आज जाएंगे सुधांशु कपड़े लेने मार्केट, क्योंकि उनके पास पैंटें तो है, पर वो कह रहे हैं मैं एक नई पैंट लेकर आऊँगा। एक दो कपड़े लेने जाएंगे। तो मेरा बिग बॉस का तो होगा 10 बजे। अभी भी आ रही है नींद, क्योंकि रात को बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। कभी उसको बू चाहिए, कभी मम्मा चाहिए, कभी उसको उसकी अम्मा चाहिए। रात को 3 बजे 4 बजे उसको उसकी मम्मा चाहिए। उसको उस कमरे से उठा के मैं इस कमरे में लेकर आती हूँ मम्मी के पास। अपनी मम्मा के पास लेटेगा, अम्मा के पास लेटकर अम्मा की शक्ल देखेगा। मैं जैसी कमरे पे जाऊँगी वैसे रोने लगेगा कि मेरे को लेके चलो। फिर मम्मी मुझे आवाज़ देगी, फिर वो मेरे पास आता है। और सुबह उठते ही अम्मा अम्मा, तो पहले मैं फ़ोन करके मम्मी से उसकी बात कराती हूँ। फिर मम्मी कहती है मैं चीज़ लेकर आऊँगी। जब जाके चुप होता है फिर खेलने लगता है। अब गाइस मैं फटाफट करती हूँ काम, मुझे नहाना है। और सुधांशु रात को लेके नहीं गए थे, वो कहते कल सुबह चलेंगे। देखते अभी लेके जाते हैं नहीं लेके जाते हैं। अंदर लेके जा रहा है वो। जैसे तुम घेरते हो ना इनको, ऐसे कर रहा है ये। तो गाइस मैं आई हूँ लाल बिल्डिंग मार्केट। मुझे कुछ लेना था सामान। सुधांशु और ऋतिक के साथ आई हूँ, वो चले गए कला मंदिर। साथ ही चल लो ना। हरमन का वेट कर रही हूँ, वो आते हैं फिर मैं जाती हूँ सूट की दुकान पे सूट लेकर और थ्रेडिंग बनवा कर मैं आपको भी मिलूँ घर पे। गाइस मैं भी आई हूँ सुधांशु लेने के लिए आई पैंट। अभी ऋतिक कपड़े लाए थे और मैं आई हूँ ट्रिप्लेक्स की शॉप पर। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आते हैं सुधांशु कपड़े लेने के लिए। और अभी सारी मार्केट बंद है, ये डमी है। मेरा सामान गिरा जो मैं कल सूट पहनूंगी वो भी लाई हूँ। थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, गिरा पूरा नहीं दिखाऊंगी। कल जब मैं रेडी होंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी थ्रेडिंग बनवा कर आई हूँ। मैंने बोला था ना बहुत सारा काम है, तो सब घर पे जाके सब्जी तो मैं बना कर आई थी, काम भी हो गया था। घर पे जाके बस खाना खाना है और सोना है, फिर सुबह उठ के काम करना है, फिर हमें पार्टी में जाने के लिए तैयार होना है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। और मैं वहाँ से आ गई थी। आने के बाद फटाफट मैंने खाना खाया।
खाना खाने के बाद गन्नू को लिया, कॉफ़ी वगैरह बना के अभी पी कर आई हूँ। और सुधांशु नहीं है, वो गए हुए हैं पचकुइया, कल हमें जाना है, पार्टी है तो आज वो गए हैं, कल सुबह आएंगे। तो मैं और गन्नू आज कमरे में अकेले सो रहे हैं, हीरा गन्नू और सारी तैयारियां हो गई है कल के लिए, कपड़े वगैरह, और मैंने थ्रेडिंग भी बनवा ली है। तो गाइस आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में, और कल की पार्टी दिखाऊंगी मैं आपको, और मैं कैसी लग रही हूँ सब कुछ दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।